बोलते हैं सतही तनाव, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो ये सतही तनाव की वजह से इसकी क्या बनती है, बूंदे बनती है। क्या बनती है? बूंदे। अब आपने इस पत्ते के ऊपर बूंदों में पानी छिड़, अपन क्या छिड़कते हैं, दवाई। और हम दवाई कब तक छिड़कते हैं, जब तक कि पत्ता गीला नहीं हो जाता, ठीक है। अब मान लो आपने दवाई छिड़की और तेज हवा गिरी, आई तो ये बूंदे सभी जमीन में आ जाएगी। तेज धूप गिरी तो ये बूंदे वहीं की वहीं सूख जाएगी, और बारिश आ गई तो सब धुल जाएगी। आप घर गए, आप घर वालों क्या बोलोगे, मैं दवाई छिड़क के आ रहा हूँ, पर आपकी दवाई गई क्या वहां पे? नहीं गई। पर हमारे जो एग्रीटिव है ये क्या काम करता है, यदि आप इसका मिलाते हैं तो ये इस बूंद को बूंदने रहने देगा, इसको इस तरह से फैलाएगा और इसको पानी को पतला कर देगा, तो ये पानी पत्ते के अंदर भी चला जाएगा। आपको पता है कि पौधे में पत्ते में छिद्रण होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, बॉटनिकल नेम उसका, उन छिद्रों को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। हमारे इसमें पोर्स छिद्र बोलते हैं, ठीक है। और बॉटनिकल पौधे में जो छिद्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसके अंदर से ये पानी भी अंदर चला जाएगा। पानी चला जाएगा तो आपकी क्या चली जाएगी, दवाई भी चली जाती है। दवाई चली जाती है तो आपकी दवाई का असर बढ़ता है। ये 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर ये चला जाए। मान लो आपने दवाई छिड़की, 5 से 10 सेकंड में यदि बारिश इतनी जल्दी आ जाएगी, 1-2 मिनट तक लगता है ना, इतनी जल्दी धूप में धूप भी गिरे तब तो वो अंदर चले जाते। तो इस तरह से एग्रीटिव जो है ये तीन काम करती है, ये तीन काम करता है। पहला काम करता है जैसे अपन कीट, पहला खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक में इसका उपयोग किया जाता है। ये 15 लीटर पानी में 10-20 ml मिलाते हैं, और कीटनाशक और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड में ये 15 लीटर पानी में 10 ml मिलाते हैं, ठीक है। तो कम मात्रा में लगता बहुत कम है, क्यों, क्योंकि ये गाढ़ा होता है। तो इस तरह से, और तीसरा काम है इसका सिंचाई में, सिंचाई में 80 लीटर पानी में, 80 लीटर पानी को मैं 160 ml एग्रीटिव मिला के इसको 1 एकड़ में स्प्रे करके आप सिंचाई करेंगे कि पानी को जमीन के अंदर ले जाता है, पानी को उड़ने नहीं देता। जैसे आप आलू है, लहसुन है, इसकी खेती में ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। ये तो एग्रीटिव में आपको दे के जाऊँगा। तो तीन काम इसके हो गए। दूसरा काम होता है हमारा एग्री ह्यूमिक। क्या होता है एग्री ह्यूमिक? ह्यूमिक क्या है? ह्यूमिक, ह्यूमिक यानी एक तरह का खाद है। ह्यूमिक क्या है? ये पौधे का, पौधे सर्वांगीण पौधा, सर्वांगीण पौधा मतलब जड़ तना पत्ती फूल फल सब सारे, सर्वांगीण पौधा मतलब जड़ तना फूल पत्ती सब आ जाता है, इन सब का ये प्राकृतिक भोजन है। ह्यूमिक क्या है? ये ह्यूमिक पौधे का प्राकृतिक भोजन है, प्राकृतिक भोजन है, ठीक है। हमारा प्राकृतिक भोजन क्या है? जैसे सब्जियां है, या हम भुट्टा खा लेते सीधा सेक के, है या कच्चा, वो प्राकृतिक। जैसे फल खाते हैं, गन्ना खाते हैं डायरेक्ट, ये क्या है हमारा प्राकृतिक भोजन है। दूध पीते हैं डायरेक्ट, वो प्राकृतिक भोजन है। इस तरह से ये एग्री ह्यूमिक जो है ये प्राकृतिक भोजन है। ये चार काम करता है। चार काम कौन कौन से काम करता है? पहला काम करता है भूमि उपचार। पहला काम क्या करता है? भूमि उपचार। दूसरा काम क्या करता है? ये आपका बीज उपचार, इसको बीज उपचार में भी लिखते हैं। और तीसरा काम क्या होता है इसका? ये इस फॉलर स्प्रेडर, फॉलर यानी पौधे के ऊपर स्प्रे किया जाता है ना। तो जैसे आपका मान लो सोयाबीन पीला हो रहा, तो यदि आप गेहूँ पीला हो रहा है, यदि आप इसका स्प्रे कर दो तो गेहूँ हरा हो जाएगा, पूरा पौधा हरा हो जाएगा। और इस तरह से इसके 3-4 काम अपन लेते हैं। और इसका पौध उपचार भी होता है। अकेले आप पौधा कौन सा बोते हो? जब अभी तो जैसे गेहूँ लगाया। पौधा, पौधा कौन सा बोलते हो? पौधा कौन सा? पौधे कौन सा? जैसे जाम है, जाम है, जैसे नींबू है, जैसे आम है, प्याज, प्याज, मिर्ची क्या लगाए जाते हैं? बीज लगाते हैं कि पौधे लगाते हो? मिर्ची के पौधे बोए जाते हैं। तो इसकी जड़ उपचार में भी इसका ये चार तरह के काम होता है। इसी तरह से एक ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स आता है जो एक तरह का खाद है। इसके बारे में ह्यूमिक का जो लिक्विड भी आता है, ग्रेन्यूल लिक्विड को एक ट्राली खाद में, गोबर के खाद में यदि 500 ग्राम डाल दो और तो वो आपको 3 ट्राली खाद का काम करेगा। जैसे 1 बीघा में आप कितने ट्राली खाद डालते हो? 2 या 3 ट्राली? 2 ट्राली। तो आपको वो 1 ट्राली से ही आपको 2 ट्राली का काम कर देगा। तो 1 ट्राली 3000-4000 में खाद मिलता है, कितने मिलता है? 3000। और आपने लगेगा 500 रुपए का, 2500 आपकी बचत।
ठीक है, और ये ऑर्गेनिक, तो ये होगा ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स हमारा खाद होता, एक एकड़ में 5 किलो खाद जाता, तो इससे आपका करीब करीब 40% आपका यूरिया फास्फेट भी 40%, मतलब एक 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 बीघे में आप कितने थैली यूरिया डालोगे आप गेहूँ में, एक सपना सुनना तुमने, एक थैली, हाँ एक एक बीघे में एक थैली यूरिया कितने किलो की यूरिया आती है, 45 किलो, तो 45 किलो का 40% कितना हुआ, करीब करीब 20 है ना, 18-20 किलो आपको यूरिया कम लगेगा, मतलब आपको करीब करीब 27-28 किलो यूरिया में 5 किलो हमारा एग्री ग्रेन्यूल्स आप मिला के स्प्रे करते हो, क्या मिलाएंगे 5 किलो एग्री ग्रेन्यूल्स मिलाएंगे केवल अभी शुरू शुरू में, बाद में आपको वो 28 किलो यूरिया भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं 28 किलो यूरिया डालने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपकी जमीन को आदत पड़ी हुई है, जमीन को आदत पड़ी हुई है, तो उसकी आदत धीरे धीरे अपन बदलेंगे, एकदम से नहीं बदल सकते, नहीं तो उसका गला घुट जाएगा, ठीक है, तो अपने को धीरे धीरे कम करके लेंगे तो इनको 100% ये काम करेगा, तो ये होगा एग्री ग्रेन्यूल्स। दूसरा होता है एग्री ह्यूमिक होगा, तीसरा होता है आपका एग्रो मास, तीसरा चौथा पौधा होता है आपका एग्रो मास। एग्रोमास क्या काम करता है, ये एग्रोमास ये भी लिक्विड में होता है, इसको हम स्प्रे करते हैं जब पौधों पे फूल आने से 15 दिन पहले, जैसे सोयाबीन अभी अभी गेहूं बोओगे, गेहूं में भी उम्मीद निकलते हैं, उसके 15 दिन पहले हम एग्रोमास यूज करते हैं, तो एग्रोमास क्या काम करता है, ये आपके पौधे पे फूल ज्यादा लाता है। एग्रोमास काम क्या करेगा, इसका मुख्य काम क्या है, ये फूल ज्यादा लाता है, ठीक है। अब आपने एग्रोमास यूज किया, उसके बाद में आता है एग्रो गोल्ड, पांचवा पौधा होता है आपका एग्रो गोल्ड। एग्रो गोल्ड क्या काम करता है, जो फूल आए हैं ये फूल ज्यादा लाया तो ये एग्रो गोल्ड, ये इनको कभी साथ साथ नहीं देना, एग्रो गोल्ड आपके जो फूल आए उन फूलों को बड़ा करेगा, जब फूल बड़े होंगे तो क्या बनेगा, बीज भी बढ़ाएगा, जब बीज बढ़ाएगा तो आपकी फसल भी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी। अब इसके अलावा आपको छठा प्रोडक्ट होता है एग्रो नैनोटेक, है ना, एग्रो नैनोटेक। एग्रो नैनोटेक ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे हमको विटामिन मिनरल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं कि नहीं लगते, बता सकते हो, बोरोन है ना, लगता है कि नहीं लगता है, बोरोन वगैरह ये रखते हैं, और भी कुछ पोटासियम खाद भी काफी अच्छे लगते हैं, और भी कुछ तत्व है ऐसे, करीब 6 क्लोरीन वगैरह कुछ 6 तत्व मैं अभी मैं एग्जैक्ट में बताऊंगा, तो ये ऐसे 6 तत्व इस एग्रो नैनोटेक में होते हैं जो आपको पौधे पे स्प्रे करना पड़ता है। और एक सातवां जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या होता है कि आपकी जमीनों में या फसल पे फफूंद आती है कि नहीं आती, आती है। फफूंद एक ऐसी चीज है, सपना ध्वन से सुनना, फफूंद एक ऐसी चीज है कि इसको फफूंद आने से पहले आप बचा सकते हो, फफूंद आने के बाद आप नहीं बचा सकते। फफूंद आने के बाद फसल को बचाने के लिए कोई उसका पास रोकता, वो जो आप कर रहे हो ना वो सब ढोंग है, वो गलत है, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाता है ना, तो आपको शुरू से ही जमीन में भी फफूंद को उपयोग किया जाता है। प्रोटेक्ट एक प्रोटेक्ट करके प्रोडक्ट है हमारे पास, ये सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, जैविक है, ध्यान रखना। तो अभी तो मैंने अभी इतना पूरे भारत में नहीं भी खत्म हो गया प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट जो है ना ये फफूंद को मिटाने के लिए काम में आता है। कितना लेना क्या लेना ये मैं आपको दे जाऊंगा, इसमें सब मिलेगा। तो ये 7 प्रोडक्ट है हमारे, सातों के सातों यदि आप लेते हो 3 साल के अंदर आपकी जमीन मखमली हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, सिंचाई में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जो एग्री 82 उसका सिंचाई में भी मैंने बता ही दिया, तो इसमें दिया होगा आपको सब सारी चीजें, कैसे उपयोग करना क्या करना सब चीजें। इसके अलावा कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हो, और मैं और बताऊंगा सपना है और ये सब लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी खेती में टॉपिक कर सकते हैं।